नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के बड़े और मुख्य समाचार में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा के टिकट का अनाउंसमेंट किए जाने के बाद में राजद में एक बार फिर से टूट की खबरें हैं। क्या है बड़ी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे। शादी साथ आज कोर्ट का क्या आया बड़ा फैसला ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर के, इसके बारे में भी आपको विस्तारित पूरी जानकारी बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल सिंह यादव का किया तारीफ का, लगातार उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य बड़ा बयान दिए। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जीत हासिल के लिए पूरा प्रयास करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने सभी लोगों को साथ लाने के 2024 के लिए तैयारियों को शुरू कर दिया। इसके साथ मोदी सरकार के 8 साल के पूरे होने कार्यकाल के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि कैसे लगातार संपूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद भी बिहार में शराब का मिलना जारी है। इन सभी खबरों को विस्तार से बताएं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार से। ललन सिंह आज जेडीयू के दफ्तर से नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। उनके हाथ में पीला लिफाफा था जो इस बात का संकेत देता था कि अब जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट बहुत जल्द करने वाली है। नामों पर बड़ा फैसला कर लिया गया है और इसके साथ साथ आज सीपी सिंह समेत तमाम नेताओं का नाम जो है वो अब मुहर लग सकता है। लेकिन इसके साथ ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का जय जयकारा लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के अंदर लगातार तल्खियां भी बढ़ी हुई है। राज्यसभा के चुनाव के अंदर किसे कितनी सीटें और किस तरीके से जीत हासिल कराई जाए, इसका पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्यसभा के अंदर इस बार जो है वह ललन सिंह आरसीपी सिंह को भेजना नहीं चाहते थे। कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई लेकिन इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जेडीयू बहुत जल्द नामों का ऐलान करने वाली है। लास्ट जो है वो कल तक का समय है जब नामांकन प्रक्रियाओं को संपन्न करना है, तो जेडीयू नामांकन प्रक्रियाओं को। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के। अक्सर बड़े फैसले के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही आरजेडी में देखने को मिला। जब आरजेडी पूरी तरीकों से मुश्किलों में घिरती हुई जा रही थी तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो इन मुश्किलों के समस्याओं के समाधान निकाले और इन समस्याओं के समाधान को निकालते हुए उन्होंने राज्यसभा टिकटों का अनाउंसमेंट किया। कई ऐसे बड़े प्रेशर थे तेजस्वी यादव पर जो तेजस्वी यादव नहीं झेल पा रहे थे और वो चाहते थे कि इन सारी समस्याओं का समाधान पिताजी करें। तो पिताजी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए पूरा पूरा काम किया और किसे भेजना है राज्यसभा के अंदर, इसका अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया। जिसके साथ ही अब बिहार के सियासत का एक और जो है वो पन्ना का शुरुआत हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार का ये जो पन्ना है वो किस तरीके से और कितना कुछ बेहतर कर पाता है। तो देखने वाली इन सभी समस्याओं पर समाधान को लेकर बड़ी अपडेट आएगी। दोस्तों लगातार जो है वो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, जी हाँ, आपको बता दें आरजेडी को लेकर के। आरजेडी सुप्रीम, आपको बता दें सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फैसले किए जाने के बाद में अब तेजस्वी यादव चिल मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने ही हाथों से गाड़ी चलाकर कल पटना रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए थे जहां पत्नी, आपको बता दें पत्नी थी और इसके साथ साथ भाई तेज प्रताप यादव साथ में मौजूद थे। दोनों भाई एक साथ पहुंचे और खाना खाया। आरजेडी में चले आ रहे लंबे समय से जो गहमा गहमी और टूट की खबरें थी उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दोनों बेटों को समझा बुझा कर आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने बिहार के राजनीतिक में एक लंबा वक्त तक मुख्यमंत्री पद को संभाला है और उन्हें अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों पर पता है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अंदर किसी प्रकार से कोई टूट ना हो और दोनों भाई आपस में मिलजुल कर बिहार की सरकार बनाएं और बिहार की सरकार बनाने के लिए हर एक संभव अपनी तत्परता को मजबूत करें, तो इस वीडियो को लाइक कर आप कमेंट कर बता सकते हैं कि इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, तो कमेंट कर बताइएगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, ज्ञान बापी मस्जिद मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर सुनवाई कर मामले को पूरी तरीके से खत्म करने की बात जिला कोर्ट यानी बनारस को दी है। इसके साथ साथ कई बड़े सुपरस्टार और सांसद भी यहां पर पहुंचे जिन्होंने कहा कि ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर भगवान शिव जो है वो आ चुके हैं और भगवान शिव को हमें वापस लाना है, इसलिए पूरी तरीके से हम जो है वो सरकार के साथ हैं। इसके साथ साथ
साथ कोर्ट जो है वो उस पर बड़ा फैसला लेने वाला है, और आज ही के दिन कोर्ट जो है वो तस्वीरों को सार्वजनिक भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट जो है वो कुछ और वक्त के बाद में पता चल पाएगा कि क्या इन तस्वीरों को वो सार्वजनिक करता है या फिर इन्हें गुप्त ही रखा जाएगा। तो फिलहाल जो है एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त, जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो लगातार आपको बता दें कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपको शिवपाल सिंह यादव की तारीफ करते हुए नजर आए। इसके साथ शीर्ष नेता अन्नपूर्णा यादव और शीर्ष नेता केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव की अब तारीफ इस वजह से भी कर रहे हैं कि उन्हें साथ ला करके सपा को एक बड़ा झटका दिया जाए और समाजवादी पार्टी को इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए क्षमते की जरूरत पड़ेगी। कि एक तरफ जहां पूरी तरीके से बगावती बिगुल को फूंक कर चुके हैं शिवपाल सिंह यादव, तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की बढ़ती नजदीकियां इस बात के लिए एक बड़ा संकेत है कि वक्त के साथ सब कुछ जो है वो बड़े परिवर्तन के तौर पर दिख रहा है और सपा यहां पर कहीं ना कहीं उसे नुकसान हो सकता है और सपा जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ती हुई ली जा रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के चुनाव में फिर से उतरने वाले हैं। AIM पार्टी को लेकर के गुजरात में उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे सभी मुसलमान भाइयों से इस बात के लिए अपील किया है कि मुसलमानों अब जग जाओ, अगर आप हुकूमत को यहाँ समाप्त नहीं किए तो फिर हुकूमत जो आने वाली है वो आपके लिए खतरे की घंटी बनेगी, क्योंकि आज मस्जिदों को किस तरीके से खोना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं। इन मामलों पर लगातार जो है वो बोलते हुए नजर आए और इससे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर असर डालकर कांग्रेस को फिर से एक बार नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। लेकिन अभी तो ये वक्त बताए कि इस साजिश से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, कौन सत्ता का यहाँ चखेगा स्वाद और कौन सत्ता से बेदखल होगा। लेकिन फिलहाल AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिए गए बयानों से साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, जिस तरीके से आज से 8 साल पहले सत्ता और केंद्र की शासनकाल को संभाली थी उसके बाद में लगातार गुजरात को खूब सुर्खियाँ मिली। गुजरात में नैनो की फैक्ट्री हो, गुजरात में तमाम बड़े फैक्ट्रियों की लगने हो या फिर कई ऐसी चीज़ों को लेकर के बातें सामने आती रही जो मुख्य रूप से इस बात के लिए संकेत था कि देश के अंदर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जो है वो हैं। भगवान के रूप में जनता ने प्रधानमंत्री को पूजा और भगवान को भगवान का दर्जा देते हुए उन्हें कुर्सी पर बैठाया। लेकिन आज महंगाई का स्तर कहां गया है ये आप भी जानते हैं। फिलहाल गुजरात के चुनाव पर खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है और गुजरात के चुनाव के साथ वो पूरे फोकस के साथ जो है वो लगातार अपने तत्परता को मजबूत कर रहे हैं, जिससे घर की हार जो है जहान को हारने पर मजबूर कर सकती है, इस बात का भाव पहले ही लग चुका है मोदी को। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, अब महिलाओं के सुरक्षा और व्यवस्था में क्या कोई कमी रह गई, जिस महिलाओं को लेकर के नौकरियों को कब से कब करना है, कब से कब जाना है और कब से कब आना है, इसको निर्धारित किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ये सारी खबरें उस वक्त आनी शुरू हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के जॉब करने की समय सीमा को निर्धारित किया। इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर बयानबाजियों को भी तेज हो गया। लेकिन अब हवा ये है कि क्या देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित हैं, लेकिन आपको बता दें और सुरक्षा और प्रोटोकॉल को पालन कराने के लिए योगी सरकार ने सभी कंपनियों कहा है कि अगर कोई महिला इच्छुक है रात में नौकरी करने के लिए भी तो उसे भी सुरक्षा की व्यवस्था खुद सरकार को करनी, खुद जो है वो कंपनी को करनी होगी। ऐसे अगर कुछ भी होता है तो फिर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आई, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, जी हाँ, आपको बता दें कि बहन जी मायावती ने अपनी हार को कबूल कर लिया है, क्योंकि यह बात अब देखा जा रहा है कि अब वह रामपुर के अंदर से किसी को अपना प्रत्याशी बनाकर नहीं उतारने वाली हैं। रामपुर से आखिरकार वह किसी को क्यों नहीं उतार रही हैं और इसका मुख्य कारण क्या है, इन सभी समस्याओं पर समाधान तो होगा ही, लेकिन रामपुर का मतलब साफ है कि आजम खां या और आजम खां की यहाँ पर दावेदारी और आजम खां का कैंडिडेट अगर यहाँ पर चुनाव नहीं जीता तो फिर रामपुर का कोई
बात ही नहीं बनता। इससे रामपुर को जीतने के लिए पूरे प्रयास में लगे हुए हैं और अपू दादी की बहन जी मायावती ने यहाँ से अपू दादी के बैकफुट पर जाना शुरू कर दिया है और मायावती को ये लगता है कि अगर बैकफुट पर नहीं गया गया तो फिर मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी उनसे नाराज हो जाएगी और आने वाले समय में उनके समीकरण को बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही कई जगहों पर उनके कैंडिडेट उतर रहे हैं और लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट को उतारने की खबर नहीं है। दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। आईटीटी न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खबर को इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।